दोस्तों, आपने कभी न कभी बाथरूम सिंक का इस्तेमाल तो किया ही होगा, एंड अगर किया है तो वहाँ पर आपने देखा होगा कि सिंक के नीचे एक छोटा सा छेद होता है। बट क्या आप जानते हो कि ये छेद क्यों होता है एंड इसका क्या काम होता है? दोस्तों, दरअसल इस होल का काम होता है पानी के ओवरफ्लो को रोकना, क्योंकि कभी कभी ड्रेन वाला होल जो होता है जहाँ से पानी बाहर निकलता है वहाँ पर कचरा फंस जाता है, जिससे कि पानी बाहर नहीं निकल पाता एंड सिंक में ही इकट्ठा होता रहता है। सो जब पानी इस होल तक पहुँचता है तो इस होल के जरिए पानी बाहर निकल जाता है एंड हमारी फर्श गीली होने से बच जाती है। इसके अलावा आपने देखा होगा कि बाथ टब में भी एक छोटा सा छेद होता है, ये छेद भी पानी के ओवरफ्लो को रोकने के लिए यही बनाया जाता है। जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।